please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग एडोबी फोटोशॉप के अंदर किस तरीके से कस्टम पेज बॉर्डर क्रिएट करना सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर वीडियो आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे पास फोटोशॉप का वर्जन CS3 है। अगर आपके पास 7 से जो भी वर्जन का फोटोशॉप है भी, तो आप आसानी से यहाँ पर कस्टम पेज बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली आपको कीबोर्ड का कंट्रोल एन या फिर आपको फाइल के अंदर जाकर न्यू के अंदर क्लिक करते हो, आपको यहाँ पर न्यू पेज क्रिएट कर सकते हो। आप जिस पेज पर काम कर रहे हो उसी पेज आप सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि आपको A5, A4, 4R, 7R जो भी टाइप्स का आप यहाँ पर पेज पर काम कर रहे हो उसी टाइप्स का पेज सेलेक्ट कर लीजिए और उसके अंदर पेज बॉर्डर बनाना शुरू कर लीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक A4 साइज का पेज क्रिएट कर रहा हूँ दोस्तों, 8.27 इंचेस और 11.69 इंचेस के आसपास का। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर रेजोल्यूशन 300, RGB कलर, आप चाहे तो लैब कलर वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर ओके बटन के अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से पेज यहाँ पर रेडी होकर आ चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, टेक्स्ट टूल के अंदर क्लिक करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, टेक्स्ट टूल के अंदर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फॉन्ट के ऊपर में जाइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फॉन्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर ढेर सारे फॉन्ट अवेलेबल है दोस्तों, आपके पास जो भी फॉन्ट वगैरह है तो आप उसी हिसाब से काम कर लीजिए। अदरवाइज आपको यहाँ पर देखिए, मेरे पास आकृति इमेज का फॉन्ट है। यहाँ पर देखिए 02 आकृति इमेज, 03 आकृति इमेज, 04 आकृति इमेज, ये सब यहाँ पर आकृति इमेज का फॉन्ट है। अगर आपके पास ये फॉन्ट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस फॉन्ट का डाउनलोड लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर बड़ी आसानी से डाउनलोड करते हुए इस फॉन्ट को यूज़ कर लीजिए, मज़े से यूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ 08 आकृति इमेज। ध्यान रखिए दोस्तों, 08 आकृति इमेज यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी फॉन्ट साइज आपको चाहिए आप उसी हिसाब से फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैं 72 के आसपास फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो भी यहाँ पर टाइप करोगे उसी हिसाब का यहाँ पर बॉर्डर्स का कॉर्नर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं ढेर सारे यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए बॉर्डर्स का कॉर्नर आ रहा है। तो इसके लिए मैं इसको सबसे पहले तो कंट्रोल ए करते हुए डिलीट करूँगा। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा H, यानी कि जे टाइप करूँगा। जे टाइप करने के बाद दोस्तों इस टाइप का यहाँ पर ये कॉर्नर आ चुका है। सिंपली आपको मूव टूल के अंदर क्लिक करना है, इसको आपको कंट्रोल टी करते हुए इस तरीके से आपको बड़ा करना है। आपको जितना फॉन्ट साइज है आप उसी हिसाब से काम कर लीजिए। इसको आप बोल्ड वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पर आप जाकर इसको बोल्ड कर लीजिए ताकि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा दोस्तों। अदरवाइज आपको बोल्ड वगैरह टाइप नहीं करना है तो आप इसी हिसाब से भी काम कर सकते हो। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके इसके अंदर रख देता हूँ एक साइड के अंदर। कलर वगैरह आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप जो भी कलर आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं। आप जो भी कलर आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर एक रेड कलर सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसी को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए सिंपली आपको ऑल्ट दबाना है कीबोर्ड का और इस तरीके से माउस प्रेस करते हुए इस तरीके से आपको एक और कॉपी करना है। इसके लिए आपको कंट्रोल टी करते हुए राइट क्लिक करते हुए फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आ चुका है। आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद ये दो को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर लेयर सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद इसको आपको ऑल्ट होल्ड करते हुए फिर से आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों कंट्रोल टी बटन प्रेस करना है। अब आपको फ्लिप वर्टिकल करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ आ चुका है। आने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर जो भी लाइन वगैरह बनाना है आप यहाँ पर सेव टूल के अंदर क्लिक कर लीजिए। आपको जाना है दोस्तों लाइन टूल के अंदर। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर लाइन टूल के अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पर वेट देना है, आपको कितना लाइन चाहिए इसी हिसाब से आप काम कर लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है शेप्स के अंदर। तो शेप्स के अंदर क्लिक करने के बाद आपको जो कलर पसंद है आप कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये वाला कलर ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको मूव टूल के अंदर क्लिक करते हुए आपको जहाँ पर इसको सेट करना है आप उसी हिसाब से सेट कर लीजिए। कंट्रोल टी बटन प्रेस करते हुए आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लुक्स आ जाए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से सेट कर रहा हूँ। तो सेट करने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन चुका है। तो इसको मैं थोड़ा सा
इधर की तरफ रख देता हूँ। रखने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइन बन चुका है। अब आपको इसी को ऑल्ट होल्ड करके कॉपी करना है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा करना है, आपको जितना बड़ा चाहिए आप उसी हिसाब से बड़ा कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ और बड़ा करने के बाद ये दो का सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि दो लेयर सेलेक्ट करता हूँ। इसको आप ग्रुप भी कर सकते हो आप चाहे तो, अदरवाइज आपको ऑल्ट होल्ड करते इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पर इस तरीके से लेकर आना है नीचे की तरफ, और उसके बाद सिंपली आपको इसको कंट्रोल टी करते फ्लिप वर्टिकल करना है। फ्लिप वर्टिकल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको सेट करना है। सेट करने के बाद दोस्तों एक साइड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके होने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपली यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करना है। इसके लिए शिफ्ट होल्ड करते हुए आपको यहाँ से यहाँ तक आपको ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। मूव टूल के अंदर क्लिक करते हुए आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, एंटर बटन प्रेस कर लीजिए, उसके बाद फिर से आपको एडजस्ट वगैरह करना है तो एडजस्ट कर लीजिए, ऑल्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है। दोस्तों देखिए कितना आसानी से एडजस्ट हो चुका है। ये दो को सेलेक्ट करना है, फिर से ऑल्ट होल्ड करते हुए कॉपी करना है। इस तरीके से आप हाईली रेजोल्यूशन वाला ये बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हो, हाईली रेजोल्यूशन बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हो, आपको कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। आप आसानी से इसको इस तरीके से काम कर सकते हो। इसको सेव करते हो आप यहाँ पर जो भी अंदर के तरफ काम करना है आप आसानी से काम कर सकते हो। मैं फिर से एक बार आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल एन बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं A4 साइज का ही पेज सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से टेक्स्ट टूल के अंदर क्लिक करता हूँ। आपको जो फॉन्ट पसंद है, यानी कि आप इस तरीके से ये वाला चाहिए तो, ये वाला बॉर्डर्स चाहिए तो, अदरवाइज आपको टाइप कर लीजिए जो भी बॉर्डर आपको पसंद है। तो इस वाले बॉर्डर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। इसको भी यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसी तरीके से ऑल्ट होल्ड करते हुए कॉपी करता हूँ, कंट्रोल टी राइट क्लिक करते हुए फ्लिप हॉरिजॉन्टल, सेम प्रोसेस अप्लाई कर लीजिए ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। उसके बाद ये दो को सेलेक्ट कर लीजिए, एक और एक और, शिफ्ट होल्ड करते हुए ऑल्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल टी फ्लिप वर्टिकल, तो यहाँ पर इसको आप नीचे की तरफ रख दीजिए। रखने के बाद दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। इसको आप जहाँ पर लाइन वगैरह बनाना है तो आप लाइन वगैरह भी बना सकते हो। यहाँ से मैं शिफ्ट होल्ड करते हुए लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन मैंने यहाँ पर 15px का रखा हूँ दोस्तों, लाइन का वेट, और आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। इसको भी ऑल्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर इसको रख दीजिए, और फिर से आपको यहाँ पर नीचे की तरफ भी, यानी कि इस साइड की तरफ भी आपको इसी तरीके से क्रिएट करना है। शिफ्ट होल्ड करते हुए आपको क्रिएट करना है और फिर से आपको ऑल्ट होल्ड करते हुए इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से आसानी से एक फिर से एक पेज बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसी तरीके से मैंने कर चुका हूँ। अब फिर से आपको जो फॉन्ट पर काम करना है कंट्रोल एन करने है, फिर से आपको न्यू पेज लेना है और उसके बाद फिर से आपको टेक्स्ट के अंदर क्लिक करना है। आपको फॉन्ट और फॉन्ट पर भी यहाँ पर बॉर्डर्स वगैरह देखने को मिलेगा। सिंपली आपको जो फॉन्ट आपको पसंद है आप उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए ढेर सारे आइटम्स आपको देखने को मिलेगा। आपको जो पसंद है आप वही इसके अंदर काम कर लीजिए। तो फिर से मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ टेक्स्ट टूल के अंदर और जाता हूँ, फिर से फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ 02, और यहाँ पर मैं इस तरीके का फॉन्ट भी आ चुका है। आपको जो फॉन्ट पसंद है, यानी कि आपको जो बॉर्डर्स पसंद है, आप उसी हिसाब से यहाँ पर बॉर्डर्स बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। इस तरीके से आप ढेर सारे अप्लाई करते हो, इसको आप बॉर्डर में यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। इसको मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ये मैं सबको डिलीट करता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है, और इसको भी डिलीट करता हूँ और इसको एक और कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट टूल के अंदर क्लिक करते हुए इसको कॉपी करता हूँ अलग साइट पर, और उसके बाद इसी को मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद इसको मैं कंट्रोल टी करता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं इस हिसाब का इस टाइप्स का एक बॉर्डर क्रिएट करना चाहूँगा, तो यहाँ पर इसको छोटा करूँगा और यहाँ पर सेट करूँगा और यहाँ पर ऑल्ट होल्ड करते इस तरीके से काम करूँगा। आपको जितना चाहिए आप इस तरीके से यूज़ कर लीजिए, ऑल्ट होल्ड करते इस तरीके से आपको यूज़ कर सकते हो। ऑल्ट होल्ड शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट इस तरीके से आपको काम कर लीजिए। इसको सभी के सेट करना है कंट्रोल ई, या फिर आपको जो पसंद है आप कर लीजिए। इसी को आपको एक और कॉपी करना है, तो कॉपी करने के बाद दोस्तों इसको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल ई मर्ज, और इसको आपको कंट्रोल टी करते हुए छोटा वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो। इसको आपको यहाँ पर सेट करते हुए यहाँ पर आपको एडजस्ट कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पर सेट करना चाहूँगा, थोड़ा सा मेंटेनेंस करना है
इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। इसको मैं ऑल्ट होल्ड करते हुए कॉपी करते हुए यहाँ पर मैं नीचे की तरफ लेकर आऊँगा। इस सभी को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ई करता हूँ मर्ज, कंट्रोल टी थोड़ा सा छोटा करूँगा शिफ्ट होल्ड करते हुए ताकि एडजस्ट करना आसान हो जाए। इस तरीके से आप एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो, आप यहाँ पर और एक लाइन क्रिएट कर सकते हो। ये साइड वाला बॉर्डर से दोस्तों इस तरीके से आप बॉर्डर वगैरह यूज कर सकते हो। ऑल्ट होल्ड करते हुए आपको यहाँ पर कॉपी करना है, आपको जहाँ पर इसको जिस हिसाब पर चाहिए आप उसी तरीके से एडजस्ट करते हुए यहाँ पर यूज कर लीजिए। तो इसको मैं इसको और इसको कॉपी करता हूँ, ऑल्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर इसको सेट करूँगा ताकि दिखने में काफ़ी कूल और अच्छा लगे। इस तरीके से आप बॉर्डर्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो फोटोशॉप के अंदर। इसको आप सेव करते हुए आपको जो काम करना है आपको यहाँ पर काम कर सकते हो। मैंने यहाँ पर देखिए अभी 3 बॉर्डर क्रिएट करके दिखा चुका हूँ दोस्तों आप लोगों को। इसी तरीके से आप फोटोशॉप के अंदर आसानी से बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हो कस्टम्स तरीके से। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।